नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल टाइम लवर में। तो फ्रेंड, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि किस तरह की डॉग्स होती है, जो मोनोपिल की मैंने आपको चकड़े दिखाए थे, अभी तो उसको मैंने ओपन नहीं किया था और आपने काफी कमेंट किया कि सर बेस्ट कौन सा है इन सभी में से, मोनोपिल हुआ या और भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग डॉग्स आते हैं अलग अलग कंपनी, तो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो आपने कमेंट भी किया था कि मोनोपिल गोल्ड का सबसे बेस्ट है, तो मैं भी यही प्रेफर करूंगा जो मोनोपिल गोल्ड होते हैं, जो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोनोपिल गोल्ड है ये सबसे बेस्ट है। अब मोनोपिल गोल्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, उन कलर्स के अंदर अलग अलग वैरायटी होती है, किसी में कोई अच्छी होती है, किसी में कोई बेकार होती है, किसी के अंदर पंच कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। तो अब मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ दो ही जगह निकाले हैं और बाकी पास नहीं निकाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही सबसे बेस्ट क्वालिटी है मोनोपिल गोल्ड के बीच में। और एक और क्वेश्चन आप सभी ने ये किया था कि ये जो लिखा है नोट फोर सेल, ये नोट फोर सेल लिखा है फिर भी हम इसको बेच रहे हैं ऐसे क्यों, क्योंकि आपको तो पता है कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं कि भाई बिल्कुल भी हमें प्लास्टिक के डोर का यूज नहीं करना है, जैसा कि आपको डाली है तो सिंपल डोर का यूज करिए, इसीलिए ये लिखे नोट फोर का यूज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट क्या है किसी को उल्टू बनाने के लिए जस्ट इसलिए लिखा रहता है, अगर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं। तो अब ये मेरे पास दो कलर के हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि इनमें से बेस्ट क्वालिटी कौन से दोनों डोरों में से, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा ये जो ग्रीन कलर की डोर है, ये ग्रीनिश जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये वाली डोर सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ये सबसे पतली डोर है, आपको मैं भी दिखा भी दूंगा, अगर आपका इससे मुकाबला करें दूसरी डोर का कंपेरिजन करें तो सबसे पतली डोर है दूसरों के मुकाबले, और सबसे बेस्ट डोर और सबसे ज़्यादा कंच भी इसी के ऊपर लगा हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये आप इससे कोई भी छोटी पतंग उड़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें इस ऑरेंज कलर की डोर की, तो फ्रेंड ऑरेंज कलर की डोर का मैं धागा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इसका धागा देखोगे आप, ये थोड़ा मोटा धागा है अगर उसके कंपैरिजन में कंपेयर किया जाए तो, उसका धागा जो था वो थोड़ा ज़्यादा बारीक था और इसका थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो मोटा धागा के लिए यानी हमें भारी पतंग उड़ानी होगी, और इसका धागा जो था ग्रीनिश कलर का वो बारीक था। तो आज भी मैं यही प्रेफर करूंगा, जो अगर आप डोर खरीदने जाने हैं मोनोफिल गोल्ड की, तो ये ग्रीनिश कलर में जरूर खरीदें डोर, और वैसे तो आपको देखते ही कंपैरिजन पता लग जाएगा, क्योंकि जो ग्रीनिश कलर की डोर है वो अलग ही धूप में चमकेगी, क्योंकि जो उसके अंदर कंच लगा हुआ है वो धूप में चमकेगा, और जो ये ऑरेंज कलर की डोर है उसके ऊपर कंच लगा है लेकिन वो चमकता नहीं है, वो कंच इनर साइड में है, इसलिए तो मैं यही प्रेफर करूंगा ग्रीनिश कलर की डोर को ही आप खरीदने जाएं अगर खरीदे तो, और सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल भी करा देंगे हम आपको वहाँ पर जहाँ पर भी आप हो, अमेज़ोन के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगी। तो ज़रूर बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी, और इस लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स गाइज़।